तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। अभी बजे है सुबह के 8:30 और मैं जा रहा हूँ दिव्या को छोड़ने के लिए योगा में। तो दिव्या अभी तो रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो फटाफट निकलते, थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि 8:30 तो यही बज गए, 8:30 का टाइम है। तो कोई बात नहीं, फटाफट जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, रास्ते में मिलता हूँ। फिर दोस्तों आगे की अपडेट क्या क्या वगैरह सब कुछ है वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नया है तो, और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं मेरी नोटिफिकेशन आपके फोन में टाइम टू टाइम दोस्तों पहुंचती रहे। चलिए फटाफट जाते हैं, निकलते हैं, फिर दोस्तों मिलते हैं, ठीक है। मेरे गेट पे खड़ा हुआ, कितने बजे आओ घड़ी में देखो। तुम 9 बजे से खड़े रहना, 9:05 10 बजे गेट पे ही आ जाना डायरेक्ट, ठीक है। चलो बाय। दिव्या आ गई है, चलो अभी निकलते हैं, ठीक है। चलो तो गाइस, अभी मैं पहुंच चुकी हूँ घर और भूख लगी है। नाश्ता वास्ता की तैयारी करते हैं। तो क्या खाना है आपको? जो बनाना है वो बनाओ, जो बनाना है वो बनाओ। तो मेरे को तो कुछ नहीं बनाना, तो मत बनाओ। नहीं, ऐसा कुछ बनाने का, बनाने का। हाँ तो फिर ठीक है, चलो ओके। गाइस अभी नाश्ता पानी सब कुछ हो चुका है और अभी दिव्या का शूट चल रहा है योगा का। बने रहे दोस्तों वीडियो के एंड तक, शूट करने के बाद मिलते हैं, चलो ठीक है। दिव्या का शूट भी हो चुका है दिव्या का, और दोपहर का खाना भी खा लिया, बना भी लिया, सब कुछ खत्म करने के बाद मेरे दोस्तों अभी बजे है 4:00, क्योंकि थोड़ा काम आ गया था इसलिए थोड़ा बाहर भी जाके आए वापिस, और खाना वाना सब कुछ खा लिया क्योंकि थोड़ा काम था इसलिए। सो अभी 4 बजे है, तो ब्लॉग कंटिन्यू करने का टाइम मिला है। तो दिव्या अभी कपड़े जो है उसको घड़ी कर रही है। काम था ना, एक पड़ा था, अभी ये काम हो जाएगा, फिर वासन चढ़ाऊंगी, सब वासन पोछने पड़ेंगे ना, पानी होगा, वो सब काम खत्म कर लेती। 5 बजे तक तो काम हो जाएगा, फिर तुम्हारा कुछ वीडियो शूटिंग का है, फिर वो करती हूँ, ठीक है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं दोस्तों देर के बाद, ठीक है। दिव्या अभी मुंह पे बेसन का आटा पेस्ट बना रही है, तो मुंह पे लगाने के लिए। तो ये मैंने लिया है बेसन और थोड़ी हल्दी। तो मैं सोच ही रही हूँ कि दूध की मलाई डालूं या दही डालूं। दूध की मलाई डालती हूँ, ओके। देखो दूध की मलाई तो देखो कितनी मस्त है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। चम्मच से निकालती हूँ, देखो ये दूध की मलाई है। ये बस अभी मैं इसमें थोड़ा सा ही पानी ऐड करूंगी, ये रख देती हूँ। तो चलिए रेडी होने के बाद दोस्तों मिलते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे वो करती है, थोड़ा बहुत आप देख लीजिए अभी ही। ये देखो मैंने दही बनाया और रखा था ना, अभी हुआ नहीं है, थोड़ा हो गया, नहीं हुआ, हो गया है, देखो हो गया, ये डोर चला जाए ना तब होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, हो गया। अभी फ्रिज में रख देने का, फ्रिज में रख देंगे ठंडा हो जाएगा, फिर हो जाएगा। लस्सी बना के पी जाने का, लस्सी बना के पी जाने का, ये तो काम है, लस्सी बना के पीना। इसमें क्या है? इसमें आज रात का प्रोग्राम है ना, क्या प्रोग्राम है? छोले चने की सब्जी बनाना है और पूरी बनाना है। हाँ तो आपको खाना है ना? अभी देखो मैं ये कर लेती हूँ, ये काम कर लेती हूँ, फिर बाद में ये करने के बाद फिर जाती हूँ मैं साग मार्केट में, साग भाजी ना वो सब कुछ लेकर आती हूँ।
और फिर हम बनाते हैं। ओके अब ये देखो, अब ये पेस्ट बन के थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। तो चलिए जब पेस्ट बन के रेडी होता है तब तक दोस्तों आप वेट कर लीजिए, दिव्या लगाने के होता है पर मैं आपको दिखाऊंगा। और बने रहिए दोस्तों वीडियो के एंड तक। रात का प्रोग्राम आपको दिव्या ने बताया, वैसे अगर आपको भी प्रोग्राम ज्वाइंट करना है तो आप भी आ सकते हैं। स्क्रीन पर मेरी इंस्टा आईडी आ रही है, उधर आपको डीएम करने के बाद मुझे आ सकते हैं, मिल सकते हैं। तो जाइए फटाफट इंस्टाग्राम पर और फॉलो कीजिए मुझे और मैसेज कीजिए। तो जरूर दोस्तों हम बातचीत करेंगे, जवाब दूंगा मैं आपको, रिप्लाई दूंगा जरूर। तो चलिए थोड़ी के बाद में मिलता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों अभी हो चुका है, दिखा दो यहाँ पर थोड़ा इस तरीके से मैंने जो है फेस पर अप्लाई किया है। अभी 15 मिनट के बाद आप देखेंगे ना मेरा चेहरा भी थोड़ी देर, मैं अभी तक 5 मिनट तक थोड़ा फेस मसाज करूंगी और 15 मिनट तक फिर रहने दूंगी, फिर बाद में इसको पानी से वॉश कर लूंगी, फिर आप देखिएगा मेरा चेहरा किस प्रकार से ग्लो करता है। और वैसे भी इतने दिन हो गए मेरे मैरिज के, 1 साल 8 मंथ कम्प्लीट हो गए का, 1 ईयर 8 मंथ कम्प्लीट हुए, वो भी आज के, मैं 19 तारीख को यहाँ पर आई थी, तो आज इतने 1 महीने और 8 साल हो गए, 8 साल हूँ 8 महीने। तो अभी तक मैंने कोई भी प्रोडक्ट मतलब कि मेकअप वाली कुछ भी चीज अप्लाई नहीं की है फेस पर कभी भी, याग्निक को पूछ सकते हैं आप कि ये कभी अप्लाई मैंने नहीं की है, मतलब नहीं की है ना। मैं कभी मतलब पार्लर वालर में कभी जाती भी नहीं हूँ ये सब कराने के लिए, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि घर पर ही अपनी इतनी अच्छी चीजें हैं अप्लाई करने के लिए घर में। ये प्रोडक्ट ऐसी है कि आपको मतलब होगी सूट तो बहुत ही अच्छी होगी, यदि नहीं होगी तो इसमें कोई रिएक्शन कुछ होता नहीं है मतलब कि ऐसा। तो आप घर की जितने भी हो सकते हो उतनी ज्यादा इन्फेक्शन नहीं होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है। हाँ इन्फेक्शन नहीं होता है, मतलब आप बाहर की चीजें यूज करते हैं तो आपको इस प्रकार का डर लगा रहता है कि कहीं इन्फेक्शन किया तो आप घर की प्रोडक्ट मतलब कुछ भी आप यूज करते हैं तो आपको डर नहीं रहता है, यदि ये होगा तो बहुत अच्छा होगा, यदि ये इन्फेक्शन नहीं करेगा मतलब कुछ भी हो जाए तो, ये चीज बहुत अच्छी है। तो मैं कभी भी कुछ भी करती हूँ तो मैं घर का ही फेस पे कुछ अप्लाई करती हूँ, मगर दूसरा मैं कुछ बाहर का तो मैं लगाती ही नहीं हूँ। तो अभी दिव्या मुंह धो लेगी तब मैं आपको वॉश कर लेगी, तब मैं आपको आफ्टर बिफोर फेस का जो था फोटो वो दिखाऊंगा, आफ्टर बिफोर का जो उसके लगाने से पहले का फोटो और लगाने के बाद वॉश करने के बाद का फोटो, तो आपको रिजल्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे ही नेचुरल तरीके से रिजल्ट आप देखना चाहते हैं तो दिव्या की चैनल है यू ही योगा क्लासेस, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर भी है और फेसबुक पर भी है। तो यूट्यूब पर जाइए, यू ही योगा क्लासेस लिखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर योगा से रिलेटेड दिव्या वीडियो बनाती है। और मैं आपको इस प्रकार से हम फेस मसाज करेंगे, ये देख। तो जाइए चैनल पर यू ही योगा क्लासेस, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वहाँ के हर एक वीडियो देखिए, दिव्या खुद वीडियो बनाती है अच्छे नेचुरल तरीके से, योगा से रिलेटेड सब कुछ इन्फॉर्मेशन उधर रखी हुई है, यू ही योगा क्लासेस चैनल का नाम है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। तो चलिए थोड़ी देर के बाद भी मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने पूरे मुंह पे से बेसन जो पेस्ट बनाया था वो मैंने रिमूव कर लिया है और अभी मैं जा रही हूँ धोने के लिए। ये देखिए ये सब जितना भी मैल होता है ना वो हमारे मुंह का वो सब कुछ निकल जाता है, आप देख ही सकते हैं कितना काला काला ये सब कुछ निकला है। तो इस प्रकार से रिमूव करना, अभी मैं जा रही हूँ धोने के लिए। आपको धोना कैसे है कि थोड़ा सा, या फिर आप गर्म पानी भी ले सकते हैं या ठंडा भी चलेगा, मतलब ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से आपको धोना है। तो ये करने के बाद आप, मैं अभी मैं आपको फेस वॉश करने के बाद फिर मैं बताती हूँ कि मेरा चेहरा कैसा हो चुका है, ठीक है। चलिए अभी मैं आती हूँ फेस वॉश करके। दिव्या इधर फेशियल के अभी मजा आता है, वीडियो थोड़ी थोड़ा लेट शुरू किया के बहुत मजा आता। अच्छा हुआ वो तो मैं उधर से आ रही थी तो वो पर, पता है मैंने दूध की मलाई डाली थी उसमें, तो वो इधर गिर गई थी तो चिकना चिकना था ना, तो ये मैं गिरी। कैसा गजब का बाकी। तो देखिए दोस्तों ये रहा फेस वॉश करने के बाद का, फेस वॉश कर लिया है, अभी देखिए मेरी स्किन कैसी चमक रही है। हाँ ओके चलो इधर देखो, वापस एक फोटो खींच लेता हूँ सीधा देखो ऐसे। हाँ ओके चलो। तो ये सब प्रोडक्ट मेरी मम्मी ने ये सब मुझको सिखाया था कि ऐसे सब करना होता है, तो वहां से मैं सीखी। और फिर बाद में जैसे जैसे मैं योगा करने लगी, सीखती थी पहले, फिर से सिखाने लगी, तो फिर बाद में मेरे को ये सब कुछ पता चला कि इस प्रकार से करना है। लेकिन सबसे पहले तो ये जो मेरी मम्मी ने बताया था मुझको किस प्रकार से करते हैं तो फेस बहुत ग्लो करता है,
तो वैसे मेरी मम्मी भी कभी पार्लर नहीं जाती है तो वो भी यही सब कुछ करती है, तो इसीलिए वहां से मुझे ये सब जानकारी मिली। मेरी मम्मी ने वो सब कुछ मेरे को बताया तो वहां से मैं उन्हीं से ही इतना ज्यादा ये सब फेस पर तो अप्लाई करने का मैं उनसे ही सबसे ज्यादा सीखी हूँ। तो जितना हो सके उतना भी आप बाहर का प्रोडक्ट बंद कीजिए और घर का जितना भी प्रोडक्ट वो आप यूज कीजिए, और घर के प्रोडक्ट की करने के यूज करने के बाद आपको ही पता चलेगा कि मेरा फेस कैसा था और कैसा हो गया है। पहले आप अपना फोटो खींच लीजिए, फिर बाद में आप एक महीने तक अप्लाई करती जाए, जैसा कि मैंने आज अप्लाई किया, तो आप बस सिर्फ हफ्ते में 2-3 बार करिए, एक दिन छोड़ के एक दिन करिए, तो फिर आपका फेस देखिए कितना अच्छा ग्लो करता है। और आपको शादी कभी भी होती है तो आपको जाएंगे ना, तब भी आपका फेस मतलब पार्लर नहीं जाना पड़ेगा, इतना अच्छा आपका फेस हो जाता है, फेशियल नहीं कराना पड़ेगा वगैरह सब कुछ। तो चलिए कहाँ चलिए, वीडियो का एंड करते हैं आज यहीं पर, और आपको जो जानकारी देनी है वो आप दे दीजिए। और वैसे भी इतने अच्छे आज तो मैंने ये सब ब्लॉग में बताया है, तो इससे भी अच्छा अच्छा जो मैं मेरे चैनल पर बताती हूँ, यू ही योगा क्लास में मेरी चैनल है, वहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं, तो वो सब वीडियो वहां पर आप मेरे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल न भूले कि मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आप मेरे से शेयर कीजिए, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस समस्या का हल क्या है और आप क्या करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं ना कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपके ये प्रॉब्लम का ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं। तो चलिए आज यहीं पर एंड करते हैं वीडियो का, और याग्निक कुछ आपसे बोलना चाहते हैं तो याग्निक बोल लीजिए। चलिए आप, वो जो चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो वैसे कुछ कहना तो नहीं चाहूंगा, सब कुछ दुनिया ने कह दिया है। तो इसी के साथ मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।